मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कुर्ला फेस्टिवल में की विधायक मंगेश कुर्लाकर की तारीफ। कुर्ला फेस्टिवल में पहुंचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसके आयोजक और कुर्ला के तेज तर्रार विधायक मंगेश कुर्लाकर की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि कोई जनप्रतिनिधि काम कैसे करना है ऐसे मंगेश कुर्लाकर से सीखे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कई और सवालों के अपने स्टाइल में जवाब दिए। एकंदरीत तुम्ही सगळ्या त्या ठिकाणी होतात। आज जेल कमिश्नर यांनी तुम्हाला डिटेल ब्रीफ केलेला आहे आणि राज्य सरकार म्हणजे जेव्हापासून आपलं सरकार आलं तेव्हापासून मुंबईचं सुशोभीकरण, मुंबई सोयीसुविधा, मुंबई खड्डेमुक्त, मुंबईची ट्रॅफिक कोंडी दूर करणं यावर आम्ही काम सुरू केलेलं आहे। मुंबईकरांना मोकळा श्वास घेत या मुंबईचा विकास आज आमचा। मी सूचना केलेल्या आहेत, माझ्या सूचना ज्या आहेत या मुंबईकरांच्या हिताच्या सूचना आहेत, वैयक्तिक स्वतःच्या हिताच्या सूचना नाही आहे। पूर्वी सारखं बजेट नाही, मुंबईकरांच्या हिताचं बजेट आहे आणि म्हणून त्याचा तुम्हाला प्रतिबिंब या ठिकाणी मुंबईच्या विकासामध्ये उमटलेलं दिसेल। मुंबई का बजेट जो है ये मुंबई के विकास का बजेट है, लोगों के हित का बजट है। यहाँ पर पूरी तरह कॉन्क्रीट के रोड होंगे, आरोग्य सुविधा होगी, बाहर से ठाकरे दवाखाने बढ़ाएंगे, हॉस्पिटल की संख्या बढ़ेगी, MRI सीटी स्कैन डायलिसिस मशीन में बढ़ोतरी होगी, मुंबई में होने वाला पोल्यूशन कम करने के लिए इलेक्ट्रिफाइड टावर जो है वो जहाँ गुड़गांव दिल्ली लखनऊ जहाँ पर जो यंत्रणा लगाई थी वो पूरी तरह यहाँ लगाने के लिए भी बजट में उसका इंतजाम किया है। महिला माता भगिनी जो महिला भगिनी है बचत गठ है उनको सक्षम करने के लिए बजट में उसका प्रावधान किया है। ये पूरी तरह मुंबई के लोगों के हित का बजट है, मुंबई के विकास का बजट है। पहली बार ऐसा बजट पेश हुआ है, ये हमारा मकसद है। मुंबई को मुंबई का विकास करना, मुंबई सुशोभित करना, गड्ढे मुक्त मुंबई करना, लोगों के जीवन में बदलाव लाना, जो अच्छा काम करते हैं। क्योंकि पहले से ही शिंदे साहब मेरे साथ में हैं, मतलब ये 6 महीने नहीं तो पिछले भी 7 सालों से वो मेरे बड़े भाई की तरह मेरे साथ खड़े रहे हैं। कुछ भी बुरे वक्त में और कुछ अच्छे काम के लिए भी उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया हुआ है। और इतना कह के कि उन्होंने आज जो इधर कुर्ला फेस्टिवल आज जो यहाँ पे आए भव्य प्रवण पे, क्योंकि सभी धर्म के सभी जाति के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, सभी हमारे पदाधिकारी महिला पुरुष हमारे सभी युवा सभी ने अच्छा काम यहाँ पे किया, उसकी सराहना भी माननीय मुख्यमंत्री साहब ने की। और बहुत ही अच्छा फेस्टिवल जो मुंबई का सभी फेस्टिवल का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा हुआ है, ऐसा यह कुर्ला फेस्टिवल उन्होंने बहुत सराहा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आदित्य जी ने ऐसा बोलने के बजाय खुद वर्ली में एक अच्छा काम करे, एक आमदार के हैसियत से आज दुर्लक्षित जो वर्ली हुआ है, क्योंकि वर्ली में आप घूमेंगे तो आपको मालूम गिरेगा कि वर्ली के रहवासी को हमारा आमदार कौन है ऐसा पूछते हैं, उनको मिलने के लिए आमदार नहीं मिलते हैं उधर के मतदारों को। तो चैलेंज तो है, वो तो चैलेंज हम स्वीकारेंगे, लेकिन मैं भी ये चैलेंज देता हूँ कि कुर्ला में वो आके मेरे सामने लड़के दिखाए, फिर हम दिखाएंगे कि हम भी क्या। बहुत सारे काम माननीय शिंदे सरकार ने इस वक्त मुंबई के लिए किए हुए, वैसे ही कुर्ला में भी उन्होंने बहुत सारे हमारे जो प्रश्न है विशेष रूप से म्हाड़ा के तो रिडेवलपमेंट के बहुत सारे प्रश्न थे वो तो उन्होंने और माननीय फडणवीस साहब ने बहुत अच्छी तरह से उसका अभी सभी प्रश्न मार्गी उन्होंने लेके गए हैं। साथ में ही कलेक्टर लैंड का जो सब्जेक्ट है उसके बारे में भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह का 2 बार मीटिंग ली है और मेरे ख्याल से जल्द वो कलेक्टर लैंड का जो प्रश्न है वो भी रिडेवलपमेंट के बारे में वो भी अच्छी तरह से हो जाएगा। और साथ में ही कुर्ला के और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के लिए उन्होंने अच्छा निधि दिया हुआ है, और साथ में उन्होंने यही कहा हुआ है कि मुंबई में जो हमें सुशोभीकरण करना है तो उसके लिए जो मेरे विभाग में जो अच्छा काम करना है उसके लिए बाहर से ठाकरे आपला दवाखाना है वो भी हमने अच्छी तरह से इधर चालू किया हुआ है, उसको भी अच्छा प्रतिसाद यहाँ पे मिला हुआ है। और आगे भी जाके बहुत सारे उपक्रम और कार्यक्रम लेके हम अच्छा काम करेंगे। आपने देखा रहेगा कि जो उन्होंने शुरू किया था वो कितना क्या था, और अभी जो माननीय मुख्यमंत्री शिंदे साहब ने शुरू किया हुआ बाबा साहेब ठाकरे आपला दवाखाना